हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। अभी नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं, तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम नवरात्रि स्पेशल साबूदाना वड़ा बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने एक कटोरी साबूदाना ले ली थी। इसे हमने 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। इसे हमने ज़्यादा नहीं भिगोया है, पानी सिर्फ इतना ही होना चाहिए इसमें भिगोने के लिए, ताकि ये थोड़ा सा भीग जाए। अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम इसके वड़े बना सकते हैं। ये हमने आधी कटोरी कच्ची मूंगफली ले ली है, इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। सबसे पहले हम पैन में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। अब ये रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम कच्ची मूंगफली डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब ये मूंगफली को हमने थोड़ा सा भून लिया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। जब तक मूंगफली ठंडी हो रही है, तब तक हम साबूदाना वड़े के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्राइंडर में धनिया डाल देंगे। इसमें हम 1 टुकड़ा अदरक का डाल देंगे, 2 हरी मिर्ची, 1/4 चम्मच इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे, थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल देंगे और इसमें दही डाल देंगे 2 चम्मच। अब इसकी हम चटनी तैयार कर लेते हैं। ये चटनी बनकर एकदम तैयार हो गई है। ये मूंगफली भी अब ठंडी हो गई है। अब हम इसे ग्राइंडर में डालकर इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। अब हम पैन में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं ऑयल में हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें मूंगफली का जो हमने पाउडर बना लिया है वो हम डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि मूंगफली के अंदर से इसका कच्चापन चला जाए। अब ये मिक्सचर अच्छे से भून गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये हमने 3 उबले हुए आलू ले लिए थे, इसे हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। इसमें हम मूंगफली का मिक्सचर भी ऐड कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, 1 चम्मच हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे। व्रत में सेंधा नमक ही यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम इसमें सेंधा नमक डाल रहे हैं। बाकी आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे।
वड़े बनाने के लिए जब भी आप आलू उबालें तो आप आलू उबालकर उसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि उसमें से मॉइस्चर निकल जाए। इसी से वड़े अच्छे बनते हैं। अब हम इसको डो की तरह रेडी कर लेंगे। वड़े बनाने के लिए डो अब रेडी हो गया है। वड़े बनाने के लिए हम पैन में सबसे पहले तेल गरम करने के लिए रख देंगे। हाथ पे हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाकर इसके हम छोटे छोटे वड़े बना देंगे। इसी तरह से हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। एक कटोरी साबूदाने से हमारे इतने बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम इसमें वड़े डाल देंगे। हम इसे पलट कर देख लेंगे। इसे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं। इसी तरह से हम बाकी भी बड़े फ्राई कर लेंगे। ये भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब साबूदाने के वड़े सर्व करने के लिए एकदम रेडी हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।